टीवी सीरियल, टीवी सीरियल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि मतलब तुम जिंदगी में अगर मान लो टीवी सीरियल तुमने कभी कोई देखा होगा, जैसे जेठालाल हो गया, गोपी बहू हो गया, इन सब में मतलब कुछ ऐसे सीन्स हो जाते हैं तो तुम कभी इमेजिनेशन भी नहीं किए होंगे। लेकिन टीवी सीरियल एक ऐसी चीज़ है मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है, तुम जितने भी एक्सपेक्टेशन कर सकते हो ना मतलब जिंदगी के अंदर अपनी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है टीवी सीरियल के अंदर। मतलब विभिन्न तरह के प्राणी जो तुम्हें देखने को धरती पर मिलते हैं ना, वो सारे टीवी सीरियल्स के अंदर इच्छाधारी रूप में होते हैं जो कि इंसान बन जाते हैं। तो आज उसी टीवी सीरियल के हम कुछ मतलब क्लिप्स लेके आओ तुम्हारे लिए, जिसमें मतलब बिल्कुल बेहया कर रखे हैं लोगों ने, कुछ भी मतलब लॉजिक वगैरह कुछ है ही नहीं उसके बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, आइए देखते हैं, बैठ चल मजा आएगा। वो बेचारा बिच्छू इतनी दूर से आया उसको डराने के लिए इतने विशाल और भयंकर रूप में, लेकिन इसको यही नहीं पता ये है क्या, कितनी बड़ी बेइज्जती है, बेचारा रो रहा है। जी कुछ कर। और मुझे तो इन लड़कियों की बात समझ नहीं आती, कभी भी कुछ होगा कोई भी सिचुएशन होगी बार अपना हाथ क्यों हिलाना चालू कर देते हैं, इससे कौन सा ब्लैक मैजिक हो जाएगा या फिर वो मर जाएगा। क्यों हिला डालाना, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने। और दोस्तों तुमने तो बचपन में स्पाइडरमैन देखी होगी जिसमें उसको मकड़ी काटती है बच्चे को, उसके बाद वो स्पाइडरमैन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे अपने इंडिया वाले भी कोई किसी चीज में कम नहीं है, ठीक है, इन्होंने अपनी बना दी स्पाइडर गर्ल, वो भी ऐसी ऐसी गर्ल में कुछ पूरा मकड़ी ही बना दिया, तुम कह सकते हो इच्छाधारी मकड़ी। अरे कॉपी करने की तो हद होती है, ये तो बिल्कुल स्पाइडरमैन की पूरी कॉपी कर रही है, इसके हाथ के मकड़ी के जाले देखो, स्टाइल देखो इसका। दोस्तों तुम्हारी इमेजिनेशन कहाँ तक जा सकती है, नागिन तक, बिच्छू तक, अब मैं तो तुम्हें मकड़ी भी दिखा दी, अब तुम और सोचो क्या हो सकता है। अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ इच्छाधारी ड्रैगन। हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, इच्छाधारी ड्रैगन जो कि इंडिया सीरियल्स में हो सकता है, जो कि इंडिया वाले मतलब सीरियल बनाते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे यार बेचारी को मार दिया, इसलिए मैं कहता हूँ ट्रेन और बस में सफर करा करो, फिर मैं सोचो उड़ के चले जाएंगे तो ऐसा काम नहीं होने वाला, और पंछी बन के उड़ो। बात तो सही है। अब सोचो कौन सा विचित्र प्राणी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ इच्छाधारी बिल्ली। चल चूट। अरे भाई इसके साथ तो अलग ही स्कैम हो गया, अब पड़ोसी घर में जब आएंगे इनसे पूछेंगे कि आपकी बहू कैसी है, तो हाथ में बिल्ली लेके आएंगे, ये लो मिल लो हमारी बहू से। वाह बदला। और तुमने अपने घर में छिपकली तो देखी होगी जो कि मतलब दीवार पे रेंगती रहती है, कभी कभी तुम ये भी सोचते हो गिर ना जाए हमारे ऊपर, लेकिन एक इच्छाधारी छिपकली भी होती है। क्या बात कर रहे बाबा, छिपकली जहर इतना कि जिसको मारे मर जाए और कहर इतना कि जो भी देखे डर जाए। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। इतनी जलील और बेहुदा चीज मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। देखिए जानवर में एक जानवर और ऐड कर रहा हूँ मैं जिसका नाम है उल्लू, तुमने इच्छाधारी उल्लू तो लगता है मेरे ख्याल देखा ही नहीं होगा, तो मैं आज इच्छाधारी उल्लू भी दिखाता हूँ, वो भी एक नहीं पूरी फैमिली है इनकी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। इसी छदारू उल्लू का बेटा कैसा, देखो ना इंसान है ना उल्लू है, ये कैसे भी बिना पता था कि जानवर ये पैदा कर लेता है टीवी सीरियल वाले, मुझे तो समझ नहीं आता, अलग अलग प्रजाति उन्होंने बना रखी है। आज का वीडियो बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो साथ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।